इसी के साथ हकीम साहब जी कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आशा जी आपका। मेरी लड़की है 13 साल की, उसके बहुत हाथ में गर्म पसीना और पैर में बहुत पसीना आ जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है उसके, और उसके बाल भी बहुत बहुत पतले। पसीना आता है हाथों में, बाल पतले हैं। हाँ, और बहुत पसीना आता है उसमें, उसको लिखने के टाइम पेपर के टाइम बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, देखिए इन दोनों बीमारियों के लिए एक आसान इलाज है, और वो ये है कि नारियल पानी तो आप जानते हैं, रोज़ाना एक नारियल पानी खरीदिए और उसके पानी में आधा ग्राम आप समझ लीजिए कि जैसे दो चुटकी गौंद मोरिंगा का गौंद कहते हैं इसे, मुश्किल से मिलता है ज़रा, तो गौंद मोरिंगा दो चुटकी मिला के रोज़ाना पिलाया करिए। अगर ये अमल आप लगातार 2 महीने करते हैं तो उनके बालों का ठीक होना और उनके पसीने की शिकायत का ठीक होना मुमकिन है। चलिए, तो ये आप उपचार कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। हकीम साहब, जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो बाहर नहीं जाती हैं, तो उनका जो वज़न है वो बढ़ता ही जाता है, चाहे वो घर का काम भी क्यों ना करती हों, तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आपसे कारण जानना चाहूँगी, इसके साथ साथ देसी नुस्खे भी जानना चाहूँगी कि वो घर बैठे बैठे अपने को तंदुरुस्त कर सकें, चुस्त कर सकें। देखिए, लगातार ये बात देखने में आई है कि महिलाओं का वज़न पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो एक दायरे में रहती हैं, और उसके अलावा ये कि चर्बी बनाने का मादा उनमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर वो इस तरह अपना ख्याल रखें कि 1 घंटा किसी भी तरह पैदल चलें, चाहे अपने घर में ही चले, चाहे अपने घर की छत पर चले, या सड़क पर, या पार्क में, और आधा आधा घंटा करके 2 बार चल लें, या ज़्यादा सेहत अच्छी है चला नहीं जाता तो 15-15 मिनट करके चल लें, तो इससे हमारे जिस्म में एक्टिव होता है और ये जो चर्बी है वो बर्न होती, जलती है। और अगर और इससे भी अच्छा कुछ करना है तो 5 बार खूब गर्म पानी, जितना आप पी सकते हैं 5 बार या उससे ज़्यादा गर्म पानी पिए, ये सब घरेलू नुस्खे हैं। और अगर इससे भी आपको इत्मीनान ना हो तो 1/2 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच धनिया 1.5 से 2 गिलास पानी में उबालिए, और जब ये आधा उबलते उबलते जल जाए तो इसे पी लीजिए आप, तो ये भी वज़न कम करने का बेहतरीन नुस्खा हो सकता है। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पंकज हैं महाराष्ट्र से हमारे साथ, स्वागत है आपका पंकज। हाँ मैडम जी, सवाल कीजिए। सर जी, मुझे छींकें आती है और मतलब सर्दी हो जाती है, उसके बाद से आंखों में खुजली आना चालू हो जाता है। अच्छा, कब से है ये आपको बीमारी? ये मतलब टर्म से नहीं है, लेकिन मतलब पिछले साल हुआ था और 20 साल हुआ है, और बारिश में और ठंडी के दिनों में ज्यादा होता है मतलब ऐसी तकलीफ। ठीक है, अच्छा देखिए, महाराष्ट्र का तो माहौल ऐसा है कि वहाँ बीमार आदमी हो जाता है, ऐसा मौसम रहता है वहाँ, समंदर का इलाका है, और ये अच्छा नहीं है, और वो भी इस वक्त में जब हम कोरोना के जंग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर छींकें खांसी बलगम वाला आदमी बहुत एहतियात करे। और जोशांदे आते हैं रोज़ाना, 1 जोशांदा पिया करिए, सब कंपनियां बनाती हैं जोशांदे। और अगर इसका मुस्तकिल इलाज चाहिए तो देखिए, एक माजून आती है, माजून आर केयर, ये एक पेस्ट है, एक चाटन कहते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में इसको, 1 चम्मच सुबह निहार में गर्म पानी से खाया करिए, 1 चम्मच शाम को, अगर 5-6 महीने लगातार खाते हैं तो आपका ये रोग मुस्तकिल तौर पर ठीक होना मुमकिन है।
नेक्स्ट कॉलर हैं किरण, ग्वालियर से हमारे साथ, स्वागत है आपका किरण। अरे जो बात तो बता रहे हैं, हमारा बहुत पेट भर गया है, हमें बहुत खुजली होती है, बात करवा दो भैया तुम्हारे हाथ जोड़े। जी जी हकीम साहब, इनका सवाल शायद आप तक पहुंच गया है। बहुत सीधी बिल्कुल औरत लगती है, बहुत सीधी हैं आप। देखिए आप जवाब सुनिए, अपना सवाल का जवाब सुनिए। आपका पेट बढ़ गया है और खुजली होती है, ठीक है ना, यही तो एक नस्खा और दो काम करेगा आपके लिए। जीरा आधा चम्मच या उससे कम लीजिए, धनिया एक चम्मच और एक चुटकी में जितना आपके आए खाने वाला सोडा, ये मिलाइए दो गिलास पानी में और इसे उबालना शुरू करिए। और जब ये आधा उबल के जल जाए तो इसे रोज़ एक बार पिया करिए। और ये इसका जो बचा हुआ फुजला बचे ना, तो उसको फेंकना नहीं, ये सुबह को उबाल के पीना, फिर इसी को शाम को उबाल के पीजिए। आपका पेट भी ठीक होगा, कम हो जाएगा और आपका खुजली होने भी ठीक हो सकती है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ राकेश, बाराबंकी से, स्वागत है राकेश आपका। हाँ सर जी, सवाल कीजिए। हमारे बीमारी है, बेचैनी बनी रहती है ज्यादा, कई साल से बेचैनी रहती है। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक कराया? ब्लड प्रेशर जी, आप पहले टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए तभी आप अच्छे से सुन पाएंगे। सवाल कीजिए एक बार दोबारा से। हकीम साहब, इनको बेचैनी रहती है, ये टीवी के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, शायद इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। जो देखिए, ब्लड प्रेशर अगर आपको नहीं है तो इसका इलाज अलग है, और ब्लड प्रेशर है तो इसका इलाज अलग है। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के लिए 10 लहसुन के पीस रोज़ाना 5 सुबह 5 शाम निवाले में रख कर चबा के खाइए। और अगर वैसे बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, तो एक आंवले का मुरब्बा, मुरब्बा आंवला आता है, एक आंवले का मुरब्बा एक चांदी के वर्क में लपेट कर रोज़ाना निहार मुँह सादे पानी से खाइए। और फिर आप कॉल करते रहिए अगर तफसील से बात हो जाए, या जिन लोग जो लोग बात नहीं कर पाते, पहली बार करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो किसी और के ज़रिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिए, तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए। एक एक नुस्खा जो आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पे बताते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए और वो सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, फिर देखिएगा धीरे धीरे कैसे आप लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अमन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वाले सलाम, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, हमें सुबह में छींकें आती हैं और सोते टाइम खर्राटे आती है, इसका कोई इलाज हो आपके पास तो बताइए। देखिए, छींकें अगर आपको काफी दिनों से आ रही हैं, सालों से अगर आप परेशान हैं, इस वक्त छींकें बहुत खतरनाक हैं, इसका मुस्तकिल इलाज कर सकते हैं। वक्ती इलाज के लिए जो शांदा लें, जो शांदे आते हैं, सारी कंपनियां बनाती हैं, हम नहीं बनाते, जो शांदा रोज़ाना एक उबाल के पिए, एक सुबह जो शांदा उबालें, उबाल के पी लें, उसी को रखें शाम तक, शाम को फिर उबालें, वो पी लिया करें। अगर ये अभी आना शुरू हुआ, अगर सालों से आती हैं तो मुस्तकिल तौर पर आपको इलाज करना पड़ेगा। माजून आर केयर, सुबह शाम निहार मुँह और रात को सोते वक्त गर्म पानी के साथ या चाय के साथ आप लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन 4-5 महीने लगातार लेना होगा। और इस वक्त आप इन पर कंट्रोल करिए, क्योंकि जो हवा चल रही है, वबा चल रही है, बीमारी चल रही है, उसमें ये सिम्टम बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट कॉलर है मधु, हैदराबाद से हमारे साथ, स्वागत है मधु आपका। जी तेज आवाज में बात कीजिए। मुझे पिंपल्स का प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, इसमें गुलटी पक जा रही है, घुटती नहीं है गालों पे।
जी एक बार फिर से सवाल कीजिए और तेज आवाज में बोलिए, आप तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और आपकी आवाज भी हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा रेंज में आके बात कीजिए, सवाल दोबारा दोहराइए। यस मैम। हेलो। हाँ मैम, मुझे पिंपल्स होते हैं, गुलती गुलती नहीं है। पिंपल्स होते हैं इनको। अच्छा, देखिए पिंपल्स का प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं को या कम उम्र के बच्चियों को होता है। पिंपल्स के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है और वो ये है कि आप गौन मोरिंगा लें। गौन मोरिंगा बड़ी मुश्किल से मिलता है, महंगा भी होता है, 10-12 रुपए रोज़ की खुराक पड़ती है। वैसे खुराक के हिसाब से सस्ता होता है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी के साथ ये लेना शुरू करें और 2-3 महीने तक लें ताकि ये हमेशा के लिए आपकी परेशानी ठीक हो सके। आप लोग जब कार्यक्रम में कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुन पाते हैं। और फिर देखिएगा दर्शकों, समय का यहाँ पे अभाव होता है, बहुत सारे कॉलर्स होते हैं जो लगातार बात करना चाहते हैं हकीम साहब से, तो आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी टीवी का वॉल्यूम कम करके ही हमसे संपर्क साधिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, हमारे साथ इरफान अली हैं बरेली से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जी मैम, अच्छा वॉल्यूम कम कर। जी सवाल कीजिए अपना। मैम मेरा हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, ये सर मेरा यूरिक एसिड बढ़ता है सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी सर। सर इसमें एड़ी में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है सर। ठीक है। अच्छा देखिए, किसी के भी यूरिक एसिड, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मोंढे में दर्द, कहीं भी दर्द है जोड़ों में, तो एक रॉ मटेरियल मिलता है काला गोंद। इसको आसान जबान में कहते हैं काला गोंद, हम लोग कहते हैं गोंद सिया, यानी काला गोंद। ये ब्राउन कलर का होता है, जायके में बहुत कड़वा होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। एक ही गोंद है जो कड़वा होता है, उसे गोंद स्याह कहते हैं। ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बना लें, गोलियां बना लें चने या मटर के बराबर, अब आसानी से बन जाती हैं, हल्का सा पानी मिलाएंगे तो बन जाएंगी, या पाउडर ही खा लें। तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को, दूध पानी या जूस के साथ, काफ़ी कड़वा होता है। अगर ये 100-200 ग्राम गोंद आप लें तो ऐसा तजर्बा है कि इसके ख़त्म होने से पहले इस तरह की तकलीफें जाती रहती हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं सचिन एमपी से हमारे साथ, सचिन स्वागत है आपका। जी मैडम। जी सवाल कीजिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। आदर। मैं मेरी मम्मी के बारे में जानकारी लेना चाहता था, उनके पीठ दर्द बहुत ज्यादा रहती है। जी क्या? पीठ दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, लाइन पे है तो उम्र भी बता दीजिए। जी एज मम्मी की बताइए। एज सर 35। एक बार दोबारा बताइए एज। 35। कमर दर्द में एक दुनिया की ऐसी दवा है जो ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा कर देती है, एक रॉ मटेरियल, दो रॉ मटेरियल हैं। देखिए अश्वगंधा आपने सुना होगा, बहुत मशहूर बूटी है, नहीं तो आप सर्च करेंगे अश्वगंधा तो सामने आ जाएगी, लंबी लंबी डंडियाँ होती है। अश्वगंधा आप 100 ग्राम ले लें और अलसी 100 ग्राम ले लें और गोंद स्याह 100 ग्राम ले लें, इन सबको खूब बारीक पाउडर बना लें। गोंद स्याह मुश्किल से मिलता है और नकली भी काफ़ी मिलता है, तो असली लेना, कड़वा होता है, ये बहुत कड़वा होता है, कुछ ज़्यादा ही कड़वा होता है। अब इसके जब पाउडर बना लें तो ये दो चुटकी, एक चुटकी फिर ये दो चुटकी, जितना आए आपकी मम्मी के चुटकी में, दो चुटकी सुबह, दो चुटकी दोपहर, दो चुटकी शाम, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, ये अच्छे हालात हैं
आपके तो जूस से भी ले सकते हैं। ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले पहले आपकी मम्मी का फ़ायदा होना मुमकिन है।